आपने हमें ये USB केबल बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाया, अब नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस दिखाने वाले? सो आप ईयरफोन का पूरा प्रोसेस देख सकते हैं, वहाँ पर हमारे ईयरफोन बन रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद में आप एडाप्टर्स का देख सकते हैं, जो मोबाइल के एडाप्टर्स बनते हैं। अच्छा। वो फोर्थ फ्लोर में है, ईयरफोन हमारे थर्ड फ्लोर में है, तो वी कैन गो एंड सी देयर। तो चले हम लोग, चले, थैंक यू सर। अभी हम लोग कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखने वाले? विष्णु, अभी हम लोग आ गए ईयरफोन सेक्शन में। सो मैं आपको ईयरफोन का बताऊं तो हिंदुस्तान में 2 करोड़ ईयरफोन हर महीने बिकते हैं। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंजम्पशन है। तो आप कहीं भी कोई भी बड़ी बिल्डिंग में जाएंगे जहां पर कॉल सेंटर्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं, हर यंगस्टर्स के गले में ईयरफोन होता है। और ईयरफोन में बहुत ज़्यादा मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोसेस नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ये क्रिम्पिंग कर रहे हैं, काफ़ी यहाँ से स्टार्ट होता है। अब ये स्टार्ट होके यहाँ से ये देखिए, ये सारी क्रिम्पिंग कर रहे हैं, सोल्डरिंग कर रहे हैं। अच्छा। ये सारे अलग अलग प्रोसेस में काम कर रहे हैं सारे। तो अब यहाँ से आप देखेंगे करीब 80 पीपल्स आर वर्किंग ऑन ईयरफोन। तो यहाँ से स्टार्ट होता है और वो लास्ट में जब हम जाएंगे तो वहाँ ईयरफोन कंप्लीट हो गया। तो सर ईयरफोन हम जानते हैं, एक तो नेक बैंड होता है, एक नेक बैंड होता है, ईयरफोन होता है जो वायर्ड होता है। हाँ। जो नॉर्मली लोग अपने मोबाइल में लगाते हैं, गाना सुनते हैं, बात करते हैं। बट डेफिनेटली यू आर राइट कि अब ईयरफोन आस्ते आस्ते फेज होगा, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा नेक बैंड है, क्योंकि कन्वीनियंट है, ब्लूटूथ के थ्रू है, वायर नहीं लगते हैं, गले में लगा रहता है, फिर TWS आता है। बट इंडिया में आज भी ईयरफोन का बहुत बड़ा मार्केट है, वायर्ड ईयरफोन का। उसके बाद वायर्ड हेडफोन होते हैं, फिर ब्लूटूथ हेडफोन होते हैं, फिर नेकबैंड होते हैं, फिर TWS होते हैं। जैसे मैं सर TWS यूज़ करता हूँ, तो TWS भी अपने मैन्युफैक्चर करते हैं आप? अभी TWS का प्लान अभी हमने डिफर कर रखा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अभी हम केबल बना रहे हैं, ईयरफोन बना रहे हैं, नेकबैंड मैंने कहा आपको नेक्स्ट मंथ से प्रोडक्शन चालू हो रहा है, एडाप्टर्स बना रहे हैं, पावर बैंक बना रहे हैं। तो हम लोग TWS स्मार्ट वॉच प्रॉबेबली हम अप्रैल से उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो सर ये पूरा प्रोसेस जो है अपना, क्रिम्पिंग होती है, कटिंग होती है, सोल्डरिंग होती है, स्पीकर्स की सोल्डरिंग होती है, ऑक्स केबल की, जैसे यहाँ पर देखिए ये ऑक्स का काम चल रहा है। ओके। तो ये जो ऑक्स है, इसमें देखिए ये जो ऑक्स है, ये ऑक्स की मोल्डिंग सेम प्रोसेस वहाँ पर बन के आती है। अच्छा। तो ये ऑक्स अलग होता है, मोल्डिंग अलग। अगेन हम इसमें डबल मोल्डिंग करते हैं, प्राइमरी मोल्डिंग, सेकेंडरी मोल्डिंग, ताकि ये जॉइंट पे नहीं टूटे, ये चीज़ ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिक रहे। अब आप देखेंगे जो क्वालिटी के हम ऑक्स यूज़ कर रहे हैं, ये पूरे गोल्ड प्लेटेड ऑक्स हैं, इससे आपके साउंड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। तो ये भी वापस वही दो टेस्टिंग प्रोसेस, सेम। सो ये अब जैसे ये यहाँ पर माइक कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली इसकी जो PCB है उसको कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ना काफ़ी मैनुअल प्रोसेस है इसको बनाने का, क्योंकि हर जगह सोल्डरिंग काफ़ी होती है। ये उसके हुक माइक्रोफोन के हाउसिंग को कनेक्ट कर रहे हैं। सर देख रहे हैं हम इधर भी काफ़ी लाइंस है, उधर भी है, तो टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ अपना कितना है? अभी हमारी टोटल 700 एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, 700 एम्प्लॉयज यहाँ पे एट ए टाइम काम कर रहे हैं। यहाँ नहीं, अक्रॉस इंडिया, बट इस बिल्डिंग में 400 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो आप बोलना चाह रहे हैं इसके अलावा भी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कहीं है? नहीं, अभी हमारा कुछ नहीं है जो यहाँ पर है, और कुछ हम आउटसोर्स करते हैं चाइना में। ओके। तो हमारे ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो चाइना से आते हैं। यहाँ पर जैसे पावर बैंक का चल रहा है, तो ये लोग पावर बैंक की बैटरी, पावर बैंक की लाइन लगी हुई है वाली, ये वाली अपनी ईयरफोन की लाइन रहती है। Great. ऐसे ही एडाप्टर का अलग सेक्शन है, जहाँ एडाप्टर का अलग सेक्शन चल रहा है। तो फाइनली होके वहाँ से होके ये सारे प्रोसेस से गुजर के फिर ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो सर काफ़ी सेक्शंस देख लिए हैं हमने, अब हमको सर एक पूरा वाइड रेंज अगर हमको दिख सकता है आपका, क्या कितने प्रोडक्ट्स आपने बनाते हैं? सो आपको हमारे डेमो रूम में जाना पड़ेगा। हाँ। तो डेमो रूम में हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स की डिस्प्ले है, वहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो यू कैन सी, जैसे ये वाला सेक्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर पावर बैंक की बैटरी टेस्टिंग होती है। क्या आपने जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली पावर बैंक की बैटरी को फुल लोड हाफ लोड में देके यहाँ लाइन से लग जाते हैं, एट ए टाइम 2500 पावर बैंक लग जाते हैं। ओके। तो इससे पावर बैंक सही है कि नहीं ये टेस्ट करें, तो उसकी बैटरी सही है कि नहीं। ओके, उसकी बैटरी सही है। सर क्या हम लोग अभी डेमो सेक्शन में जा रहे हैं? हाँ, तो विष्णु अभी एक काम करो, आप एडाप्टर वाली डिवीजन में देख लो। सो आई विल इंट्रोड्यूस अजय। अजय कैन यू प्लीज कम? सो अजय जी विल शो यू दी एडाप्टर प्रोसेस। सो वो हमारा फोर्थ फ्लोर में है, वहाँ पर हम जो चार्जर्स बनाते हैं, यू कैन सी दैट, एंड आफ्टर दैट यू कैन कम टू द डेमो रूम वेयर आई विल शो यू ऑल द प्रोडक्ट्स एंड ऑल, एंड देयर आर अदर सेक्शन व्हिच अजय इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। या सो ही विल, ही इज हेडिंग द प्रोडक्शन, या ही इज हेडिंग द प्रोडक्शन टीम, सो लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग अंडर हिम एंड ही मैनेज द शो, सो ही विल गाइड यू इन एवरी फ्लोर वेयर यू नीड टू सी थिंग्स। सो वी विल मीट यू इन द डेमो रूम। थैंक यू सी यू। सर आइए मैं आपको पूरा अपना एडाप्टर का प्रोसेस दिखाता हूँ। यहाँ से हमारा पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओके। ये सारे जो कंपोनेंट आते हैं, काफी इसके जो लेग्स होते हैं, इसको हमारे को रिफॉर्मिंग करनी पड़ती है, यहाँ कट करके। अब ये एडाप्टर बनाने का, ये एडाप्टर बनाने का जो हमारा पूरा प्रोसेस है मैं आपको पूरा डिफाइन कर रहा हूँ। ओके। तो हम लोग
जो एम आई जो प्रोसेस होता है वो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कैसे हम लोग करते हैं कंप्यूटर इस फॉर्म में आता है, फिर उसकी हम लोग लेग को कटिंग करते हैं एज पर जो साइज होता है पिछली के अंदर उसके अकॉर्डिंग, तो जो हमारी अर्निंग टीम हमारे को देती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको रिफॉर्मिंग करते हैं। ये सारी मशीनें जो लगी हुई हैं रिफॉर्मिंग की मशीनें हैं। ये करने के बाद फिर हम लोग अपना लाइन चलाते हैं। अच्छा। जिसको MI इंसर्शन लाइन बोलते हैं। MI इंसर्शन लाइन। हाँ, MI इंसर्शन लाइन। ये पीसीबी है, पूरी कंप्लीट पीसीबी आती है बेयर, राइट? तो इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं इस साइड में पूरा ये कंपोनेंट जो है इसको SMT कंपोनेंट बोलते हैं। अच्छा, राइट? ये SMT मशीन हम लोग बाहर से आउटसोर्सिंग करते हैं और करने के बाद फिर हम लोग इसको अपने यहाँ पे जो MI लाइन है मिनिमल इंसर्शन जो पीसीबी के दूसरे साइड में होता है, यहाँ पे देखेंगे हर कंपोनेंट का पूरा साइज बना हुआ है। इंसर्ट करते हैं हम सारे जो मिनिमल कंपोनेंट होते हैं वो इंडिविजुअली लगते हैं। मैं आपको एक एक कंपोनेंट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये एडिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंसर्शन कर रही है। जैसे ये आपका यू क्लिप इसको बोलते हैं बेसिकली, ये यू क्लिप इसके अंदर ये लोग इंसर्ट करेंगे। जितने भी यहाँ पे लाइन पे आपको वर्कर देख रहे हैं सबको डिफाइन किया गया है कि आपको कौन सा कंपोनेंट इसके अंदर इंसर्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग अपना जो जो जिनको वर्क दिया गया वो अपने अकॉर्डिंग ये लोग करते रहेंगे। तकरीबन इस लाइन पे 28 पीपल बैठे हुए हैं। ऐसे और भी लाइन है, ऐसे और भी हमारे पास लाइन है, बोथ साइड वर्किंग लाइन है। तकरीबन हम लोग इस लाइन पे तकरीबन 60% हमारे यहाँ वर्किंग कर सकता है पर डे। हम लोग तकरीबन मैं बात करूँ तो 17-18,000 PCB को हम लोग पर डे बना रहे हैं चार्जेस। सो ये आप देखेंगे हर लेवल पे अलग अलग कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट ऐसे ही फीडिंग होती है, फीडिंग होने के बाद फिर लाइन पे आप देखेंगे इधर विजुअल होता है, तो वहाँ पे और यहाँ पे सब जगह ये लिखा हुआ है कैसे सब जगह आप देखेंगे सब पे बोर्ड पे कौन सा कंपोनेंट इनको इंसर्ट करना है, सब ये पूरा यहाँ पे लगा हुआ है। सो जब सारे कंपोनेंट यहाँ पे लग जाते हैं तो दोबारा से हमारे यहाँ विजुअल इसको इन्फेक्शन बोलते हैं। अच्छा, राइट? तो ये पूरा ये सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, ये सारे पार्ट्स लगे हैं। आप ये मैडम यहाँ पे इंस्पेक्शन कर रही हैं। मैडम आप कितने दिन से कर रही हैं? 2 साल से काम कर रही। वाह, तो ये मैनुअल इंस्पेक्शन होने के बाद ये कंप्लीट बोल सकते हैं हम इसको? नहीं, इसको कंप्लीट नहीं बोल सकते। इसके बाद क्या होता है, ये पूरा जब इंस्पेक्शन कर लेती है तो फिर ये फीडर के अंदर जाता है। ये ऑटोमेटिक ये मशीन इसको लेती है। ये फीडर है, इसको रैक बोलते हैं। इसको रैक बोलते हैं, राइट? रैक के बाद क्या करती है, कुछ एक्सेस पीसीबी हमारे को रखना पड़ता है, अदरवाइज ये जो शटल है शटल हमेशा खाली जाएगा। ओके, राइट? तो अगर शटल को हमारे को फिल करने के लिए हमारे को कुछ एडवांस रखना पड़ता है। अच्छा, राइट? ताकि ये दोनों साइड से शटल जाती है और कन्वेयर के अंदर ये मशीन के अंदर पूरी जाती है। अच्छा, और कन्वेयर के अंदर जाते ही कन्वेयर के अंदर इसको वेव सोल्डिंग मशीन बोलते हैं। ओके, राइट? वेव सोल्डिंग मशीन से ये पूरा प्रोसेस निकलता है जिसके अंदर आपका फ्लक्स होता है, सोल्डिंग होती है। सोल्डिंग के बाद पूरी पीसीबी आपको ऐसे निकलती है, जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। ये पूरी पीसीबी यहां से आती है, राइट? पीसीबी आने के बाद ये पूरा आप देखेंगे, आप देख सकते हैं अब ये कंपोनेंट जो लगा था ये गिरेगा नहीं। तो अजय, ये पूरा प्रोडक्शन सिस्टम आप संभालते हैं? यस सर। अच्छा, पूरा प्रोडक्शन सिस्टम मैं संभालता हूँ। ओके, बाकी मेरे नीचे काफी टीमें हैं जो वर्किंग करती हैं हर स्टेज पे, इंजीनियर हैं, राइट? तो ये जो मैं हम देख पा रहे हैं ये कंप्लीट प्रोडक्ट है। ये कंप्लीट प्रोडक्ट है, अभी इसके ऊपर अभी टचअप होना है। टचअप के बाद जो असेंबली लाइन का जो प्रोसेस है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, राइट? तो ये किस काम में आती है हमारी? ये एक्चुअली बेसिकली ये चार्जर की पीसीबी है, जो मोबाइल फोन आप यूज करते हैं उसका जो चार्जर होता है उसकी ये पीसीबी है। अच्छा, तो ये कट हो जाती है? हाँ, इसमें 12 पीस लगे हुए हैं। अच्छा, राइट? तो एक यहाँ से ब्रेक होगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ब्रेक करने के बाद फिर ये फिटिंग होती है हाउसिंग के अंदर, राइट? सो ये क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा लेग होते हैं उसको यहाँ पे कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद ये पूरा फिर टचअप पे जाता है। चले, हाँ आइए, मैं आपको टचअप का पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। क्या होता है, मशीन कभी कभी टचअप को कुछ कंपोनेंट को ड्राई छोड़ देती है। अच्छा, तो ड्राई को हमारे को मिनिमल करना पड़ता है। जैसे ये कर रहे हैं आप देखेंगे, तो ये पूरा उसको टचअप कर रहे हैं। ओके, एक एक कंपोनेंट जो ड्राई है उसको टचअप बोलते हैं। इसको टचअप बोलते हैं। इसके बाद वापस टचअप के बाद फिर अपना रीवर्किंग होता है, जिसमें कोई कंपोनेंट मिसिंग है या नहीं है उसको चेक करते हैं। वो भी मैनुअल ही होता है। पूरा मैनुअल होने के बाद फिर फाइनल उधर क्लीनिंग होती है। कॉपर वायर है ये, इसको हम लोग टिन वायर बोलते हैं, जो फोल्डिंग के काम में आती है। आप देखेंगे यहाँ पे ये पूरा कर रहे हैं सोल्डिंग। अच्छा। बेसिकली ये अभी वायर के फॉर्म में इस मशीन के अंदर, वो जो बड़ी मशीन है उसके अंदर वो लिक्विड फॉर्म में होता है जब मशीन चलती है तो, राइट? अब ये ऐसे ये सेम प्रोसेस अब ये टचअप कर रहे हैं, रीवर्किंग कर रहे हैं, फिर ये अभी यहाँ पे विजुअल दोबारा से करेंगे। अच्छा, फिर इसको ब्रेक करेंगे। अच्छा, अब ये इसमें से कितने पार्ट्स निकल जाएंगे? इसके अंदर से एक पीसी में 12 पीस लगे हुए हैं, तो अब 12 इसमें 12 चार्जर्स बन जाएंगे। तो अभी इसको ये इन्फेक्शन कर रही है, कुछ इन्होंने जो वर्किंग किया है टचअप किया है वो प्रॉपर तरीके से या नहीं है। करने के बाद ये बेल्ट में ये नेक्स्ट सेक्शन में पास, नेक्स्ट सेक्शन में अपने आप ये पास हो जाएगा, वहाँ ये क्लिंग करेंगे। ओके, क्या होता है कि जब ये पीसीबी के ऊपर
कहीं ड्राई सोल्डिंग रह जाती है या फिर कहीं एक्स्ट्रा सोल्डिंग रह जाती है, तो ये उसको क्लीन करते हैं ताकि कोई टचअप ना रहे जिसकी वजह से कहीं चार्जर के अंदर कोई कंप्लेंट ब्लास्ट ना हो। तो ये पूरा करने के बाद, इसको क्लीन करने के बाद फिर ब्रेक होती है, पूरी पीसीबी को ब्रेक किया जाता है। अभी तक टेस्ट नहीं हुई है? नहीं, अभी ये टेस्ट नहीं हुई है। इसमें अभी भी खराबी रह सकती है? हाँ, अभी भी रह सकती है। कितने चांसेस रहते हैं आपके जो प्रोडक्ट निकलते हैं इसमें खराब होने का? मैं बात करूँ तो तकरीबन 0.1% या 0.5% के आसपास ये प्रॉब्लम रहती है। ये पूरा ब्रेक करते हैं पीसीबी को, आप देखें एक कैसे पीसीबी को ब्रेक कर रहे हैं एक एक। हाँ, तो ये जो हम पीसीबी है इसको पीसीबी बोलते हैं, राइट? पीसीबी है ये, पीसीबी को ये यहाँ पे हम लोग ये ब्रेक करके, ब्रेक करने के बाद ये ऐसा हो जाता है, ऐसे हो जाता है। आप देखेंगे एक एक इंडिविजुअल पीसीबी यहाँ हो जाती है, 1, 2, 3, 4 12 पीसीबी, राइट? तो फिर अगेन हमारे को पहला जो हमारा टेस्टिंग का प्रोसेस होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। एक एक पीस को ये लोग टेस्टिंग करते हैं, पहले इंडिविजुअल लोड अनलोड पूरा टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद इसको आगे दे देते हैं जहाँ पे हमारा हाउसिंग फिटिंग होती है। ओके, राइट? आप देखेंगे हाउसिंग हमें जो मिलती है वो ऐसे मिलती है। या, अभी, इसके अभी, अंदर में ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट इसको इंसर्ट किया जाता है, ये ऐसे चला जाता है। जी जी, इसके ऊपर कैप होती है, कैप लगती है। ऐसी इसकी बात करें तो हम लोग कितनी पीसेस बना लेते हैं? ये पर डे हम लोग 17,000 से 18,000 पीस अभी बना रहे हैं पर डे, राइट? महीने का तकरीबन हम लोग का, मैं बात करूँ एक शिफ्ट के अंदर 5 लाख के आसपास का हमारा प्रोडक्शन है, राइट? लेकिन अगर हम पूरा फुल फ्लैश इसको चलाते हैं तो तकरीबन हम लोग महीने का 10 लाख चार्जर डबल कर सकते हैं, इसलिए कोई इशू नहीं है। फिटिंग करने के बाद ये पूरा प्रोडक्ट ऐसा रेडी हो जाता है जो आप देखेंगे, ये पूरा प्रोडक्ट आपको ये रेडी हो गया। लेकिन ये अभी हमारे यहाँ रेडी नहीं है, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन में ले जाएंगे जहाँ पे बर्निंग बोलते हैं, जो एजिंग टेस्टिंग होती है, एजिंग टेस्टिंग होगी जो मैं आपको आगे ले वाले प्रोसेस में आपको दिखाऊंगा। अब अपने लास्ट प्रोसेस में जा रहे हैं दोस्तों, जहां आप देखेंगे इसको कैसे एजिंग होता है, कैसे एजिंग करते हैं इसका, वो प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूं। हमने वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट मशीन लगा रखी है, ये मशीन अभी तक की सबसे लेटेस्ट मशीन है जो नॉर्मल चार्जर को एजिंग करती है। इसके अलावा QCPD को भी ये करती है। एजिंग का मतलब क्या होता है? एजिंग के अंदर क्या होता है, एक प्रोडक्ट को पूरा हम आधे घंटे या फिर एक घंटे जो एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, जो भी OEM पार्टनर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि मेरा प्रोडक्ट एक घंटे तक फुल लोड के अंदर होना चाहिए। मतलब अगर चार्जर मेरा 5 वोल्ट 2 एम्पीयर है तो 5 वोल्ट 2 एम्पीयर पे पूरा कंप्लीट आधे घंटे तक मेरे को बर्निंग चाहिए। बर्निंग, इसको बर्निंग स्टेज बोलते हैं, एजिंग स्टेज बोलते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ काफी एडाप्टर्स एक साथ लगे, तो एक साथ तकरीबन 500 एडाप्टर लगे हुए हैं इस पूरे पैनल के अंदर। तो ये पूरा पैनल ऑटोमेटिक चलता है। अच्छा, और इसका पूरा डिस्प्ले आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये तो पूरा, इसमें कुछ ब्लू दिख रहे हैं और कुछ हरे दिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो इसमें के अंदर जो ग्रीन हो गया इसका मतलब ओके हो गया, मतलब उसकी टेस्टिंग डन हो गई। अच्छा, और जो ब्लू है उस पर टेस्टिंग ऑलरेडी चल रही है। ओके, और जो ये आप ऑरेंज सा देख रहे हैं इसके अंदर कुछ फॉल्ट आ गया है, तो इसकी वजह से ये वहीं पे स्टॉप हो गया है। तो इसको आप निकाल लेंगे? इसको हम निकालेंगे फिर ये रीवर्किंग में चला जाएगा। तो जो ये ग्रीन होता जाएगा, एक बार ये पूरी ग्रीन होने के बाद ये मशीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। ये निकलने के बाद अपने जाएंगे आप पैकेजिंग में? नहीं, पैकेजिंग से पहले एक और प्रोसेस है, अगेन हम टेस्टिंग करते हैं। फर्स्ट टेस्टिंग आपने वहां देखा था जहां पे पीसीबी चल रही थी, दोबारा हमने पूरा कंप्लीट चार्जर देखा, फिर इसके होने के बाद फिर हम इंडिविजुअल एक एक पीस का हम दोबारा से टेस्टिंग करते हैं। जैसे आप यहां पे देख पाएंगे दोबारा से एक एक प्रोडक्ट हम लोगों का विजुअल होता है, टेस्टिंग होता है। उसमें अगर स्टिकरिंग है तो स्टिकरिंग करते हैं, स्टिकरिंग नहीं है तो एज इट इज वो पैकेजिंग में चला जाता है, राइट? आप देखेंगे यहाँ पे दूसरा प्रोसेस है, ये दूसरा एडाप्टर ऑलरेडी पैकिंग पे चल रहा है हमारा, जिसके ऊपर एक स्टिकर लगाते हैं। ये शायद ब्रांडिंग हो रहा है, ऑलरेडी ब्रांडिंग ऑलरेडी प्रिंटेड है जो लेजर मशीन ऑलरेडी करती है। अच्छा, राइट? तो ये फिनिश प्रोडक्ट आपका ऐसा दिखेगा। ओके, राइट? ओके, ग्रेट। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ से इसकी पूरी पैकेजिंग है। ओके, ये पूरी पैकेजिंग सिस्टम है? हाँ जी, ये पूरा पैकेजिंग सिस्टम आप देखेंगे। ओके, तो हर लोगों को अलग अलग डिफाइन किया गया, कोई केबल इंसर्ट करता है, कोई एडाप्टर इंसर्ट करता है, कोई सीलिंग करता है, तो ये पूरा प्रोसेस आप देखेंगे। इस पैकेट में क्या क्या रहता है? एडाप्टर रहता है? मैं अगर बात करूँ इस प्रोडक्ट के अंदर, हाँ, पैकेजिंग में एडाप्टर होता है, केबल होती है, राइट? तो दो प्रोडक्ट इसके अंदर होता है। जो यहाँ पे क्या होता है, MRP तकरीबन 600 रुपीज है इसका। हाँ, और यहाँ पे ऑलरेडी कंटेंट लिखे होते हैं। अच्छा, राइट, ग्रेट। सो ये फाइनल हम लोग इसको जो हमारा मास्टर कार्टन है, डिस्पैच एंड रेडी टू सेल है। या, रेडी टू डिस्पैच और रेडी टू सेल है ये पूरा प्रोडक्ट हमारा मास्टर कार्टन है। उसके अंदर 16 नंबर ऑफ एडाप्टर आते हैं जिसको हम लोग पैक करते हैं। ये पूरा पैक करने के बाद सीलिंग करते हैं। सीलिंग करने के बाद ये पूरा प्रोडक्ट हमारा रेडी हो जाता है जो आप देखेंगे, राइट? सो ये पूरा प्रोडक्ट रेडी टू डिस्पैच है। ये प्रोडक्ट ट्रांसफर हो जाएगा नीचे वेयरहाउस के अंदर, फिर वहाँ से पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूट होगा।
थैंक यू अजय, आपने पूरा प्रोसेस समझाया, थैंक यू। थैंक यू विष्णु सर, आपको आने के लिए, आपको टीम की यहाँ पे आने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत अच्छा कवरिंग किया है। मैं चाहता हूँ कि हम जो यहाँ पे मेहनत करते हैं, जो मेरी टीम मेहनत करती है, वो लोगों तक पहुँचे और हम मेक इन इंडिया को और अच्छे तरीके से पूरे इंडिया में फैला सके, अपना प्रोडक्ट लोगों को दे पाएँ, लोगों से उसका फीडबैक लें और लोग इस प्रोडक्ट को लेके टेस्ट करके या यूज़ करके वो इन्जॉय करें इस प्रोडक्ट का। हमारा मकसद भी यही है कि जितना आत्मनिर्भर अपनी इंडस्ट्री है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आगे का जो प्रोसेस है, हम ऊपर चलते हैं जो राजू सर के साथ, आप लोग आगे जो भी हमारा अलग अलग प्रोसेस है वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो दोस्तों चलते हैं, राजेंद्र जी वेट कर रहे हैं, उनसे मिलते हैं डेमो सेक्शन। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि प्रमोटर का विजन क्या है और बहुत सारी बातें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर करना मत भूलिए।